पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस महामारी का असर एक बार फिर से रोजगार पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उन लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है जिनकी कमाई से, एक दिन की कमाई से उनके घर का खर्चा चलता है। आइए हम कुछ ऐसे ही दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस महामारी का असर उनकी जेब पर कैसे पड़ा है। कब से आप यहाँ पर दुकान लगा रही हैं? 16 साल हो गई दुकान लगाते, लेकिन 2 साल से बहुत परेशान है हम। इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा है कि आदमी दुकानदारी ना 3,000 की होती है, वो 1,500 की हो रही है। क्या इसमें बच्चे पाल रहे हैं, किराए पर रहते हैं, क्या करें? सामान भी इतना महंगा आ रहा है, और 9-10 बजे से कल ऐलान है, 9 बजे से भगाना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले। कैसे करें, कितना कमा लेंगे इसमें? वही उसी में कर्फ्यू लगा देते हैं। पहले की तुलना में लोग अब आपकी दुकान पर आ रहे हैं या नहीं? नहीं आ रहे, इतने बहुत कम आ रहे हैं। जिसमें 50 आ रहे हैं उसमें 25 ही आ रहे हैं। जैसा कि एक बार पहले भी लॉकडाउन लग चुका है देश में, तो ऐसे में भी इस बार जो नाइट कर्फ्यू लगा है, तो पहले की तुलना में आपकी जो रोजगार पर इस बार क्या असर पड़ा है? इस बार भी उतना ही असर पड़ा है। हमारे तो पहले तो बंद ही थी, पहले लॉकडाउन में, अब की थोड़ा बहुत चल रहा है, ऐसे बालकन के पेट भर रहे हैं इसी में, और कुछ नहीं। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, गरीब आदमी है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब सरकार अपनी बातें न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? यही गुहार लगाना चाहेंगे, कल भून लगे, खाने कमाने के लाख छोड़ें, जाके बच्चों के पेट भर लें। अगर अभी तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आगे स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि लॉकडाउन लग जाए, फिर आप क्या कीजिएगा? कुछ भी ना करेंगे, घर बैठे रहेंगे और क्या करेंगे भाई, कुछ भी नहीं कर सकते, यही काम है हमारा। तो जैसा कि आपने देखा कि महामारी का असर इनके रोज़गार पर किस तरीके से पड़ा हुआ है, पहले की तुलना में जो लोग हैं वो कम आ रहे हैं इनके दुकानों पर, और इनकी कमाई पर सीधा इसका असर पड़ रहा है। आइए हम कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि महामारी का असर इनकी जेब पर किस तरीके से पड़ा है। कब से आप यहाँ पर दुकान लगाते हैं? 17-18 साल हो गए हैं। इन 17-18 सालों में जो 2 साल से कोरोना का जो भी केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो रहा है, तो ऐसे में आपके रोजगार पर इसका क्या असर पड़ रहा है? इससे बहुत असर है, पब्लिक नहीं आ रहे हैं, काम भी नहीं है जैसे पहले था, उसे अभी भी अब नहीं है। तो एक बार पिछले साल भी ऐसा एक बार हुआ है, स्थिति आई है कि लॉकडाउन लगाया गया है, तो ऐसे में इस बार तो सिर्फ नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, तो पिछले साल की तुलना में इस साल जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है उससे क्या असर पड़ रहा है? इससे असर है जो काम धंधा में तो नहीं है, काम धंधा तो है ही नहीं। अगले साल तो कर्फ्यू लगा था तो मैं घर यहाँ से चले गए थे, अपना गाड़ी करके किसी तरह भी चले गए थे। अब की बार तो यहाँ है, नाइट वाले में दिक्कत है, काम धंधा नहीं है उतना जितना था। रात को कितने बजे आप यहाँ से अपनी दुकान हटाते हैं? यहाँ से अभी पहले 10 बजे, 10:30 बजे हटाते थे, अभी 9 बजे हटा रहे हैं यहाँ से। 9 बजे ही क्यों हटा देते हैं आप? ये नाइट कर्फ्यू के चक्कर में। कर्फ्यू का ऐलान तो 10 बजे तक का हुआ है, फिर आप 9 बजे ही क्यों दुकान हटाते हैं? कोई इस चीज़ का जानकारी नहीं था, नहीं देखते थे टीवी, ये सब नई जानकारी था, तो आज से हो जाएंगे, ये 10 बजे कर देंगे। न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या हम बीमारी के चक्कर में हम क्या उनको बोलेंगे, जो क्या अपील करेंगे उनसे, जब बीमारी पूरा भारतीय के लिए है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? ये बताइए कि कोरोना वायरस, जो कोरोना महामारी चल रहा है, उसका क्या असर पड़ा है आपके रोजगार पर? बहुत कर्जा हो गया, खर्चा नहीं चल रहा है और काम धाम है ही नहीं, काम धाम है ही नहीं, बिल्कुल आधा भी नहीं है, बहुत परेशान है। जैसा कि नोएडा और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो ऐसे में आप अपने रोजगार को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? नाइट में तो हम रहते नहीं हैं, दिन में आते हैं, सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे चले जाते हैं, और फिर घर पे खाना उना बना खा के सो जाते हैं। पिछले साल भी देश में जब लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी, लॉकडाउन लगाया गया था, तो ऐसे में आपके रोजगार पर उस समय क्या असर पड़ा था? उस समय लॉकडाउन से पहले चला गया था मैं गाँव, और गाँव में ही था, और गाँव से बाद में आया हूँ लॉकडाउन के बाद। अगर आगे देश में लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? फिर तो भूखा ही मरना पड़ेगा, फिर हिलना ही नहीं रहेगा आदमी, कहाँ से भीख भी मांगेगा तो किससे मांगेगा, सबका वही स्थिति हो जाएगा, परेशान तो है ही, और परेशान हो जाएंगे। ऐसे में आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे?
हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि लॉकडाउन ना लगाएं और पब्लिक को सही से जीने दें, सुरक्षा का व्यवस्था करें। लॉकडाउन तो सरकार इसलिए लगा रही है ना कि पब्लिक सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस फैले नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लॉकडाउन सरकार ना लगाए? मैं इसलिए कह रहा हूँ, लॉकडाउन लगाएंगे तो फिर आदमी बीमारी से मर ही रहे हैं, फिर उसके बाद बेगर बीमार वाला भी मर जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सरकार से, क्या न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बगैर लॉकडाउन लगाए और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करवाएं सबसे। आपके हिसाब से अभी सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है आगे? जब दवा चल गई है तब भी जो बीमार हो रहे हैं आदमी, ऐसा क्यों है? मैं उनसे पूछना चाहूँगा सरकार से। आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है या नहीं? नहीं, इधर तो कोई शिविर ही नहीं लगा अभी। आपने नहीं लगवाई? अभी नहीं लगवाया। अगर आगे आपको ऐसा बोला जाता है, निर्देश मिलता है कि आपको कोरोना की वैक्सीन लगवानी है, तो आप लगवाएंगे या नहीं? जब कानून है तो करेंगे, कानून का पालन करेंगे। आपको क्या लग रहा है, सरकार जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, इस ओर कदम आगे बढ़ा रही है, तो ये एक तरीके से कोरोना को कम करने की जो उनकी उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, तो उनके आपके हिसाब से ये जो कदम उठाए वो सही है या गलत है? सही है, ये सब सही है, पब्लिक के लिए तो कर रही सरकार, सही है। लास्ट में मैं क्या बोलूँगा, यही बोलूँगा कि गरीब आदमी हम लोग हैं, कर्जा में डूब गए हैं, काम करेंगे तो खाएंगे या नहीं काम करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, लास्ट में यही कहना चाहता हूँ मैं। महामारी का क्या असर पड़ा है आपके रोजगार पर? असर ही असर है, जैसे कि आप देख रहे हैं काम वाम कुछ है नहीं, बेरोजगार है। पहले की तुलना में लोग नहीं आ रहे हैं आपकी दुकान पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले की तुलना में कुछ नहीं है। जैसा कि पिछले साल भी एक बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है, ऐसे में अगर अभी स्थिति बन रही है लॉकडाउन की देश में, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने रोजगार को कैसे चलाएंगे? रोजगार चलेगा ही नहीं, पिछली बार तो बच गए थे, इस बार शायद बचेंगे भी नहीं। पहले पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस टाइम आपने इस रोजगार को कैसे आगे बढ़ाया था? क्या चीज, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, इस रोजगार को कैसे आगे बढ़ाया था? रोजगार आगे बढ़े क्या क्या था, घर में बैठे थे और क्या करना था। घर में बैठने से आपकी रोजी रोटी चल जाएगी? रोजी रोटी कहाँ चलती थी, जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुला, आने जाने चालू हुआ, तो सब्जी की ठेली लगाने लगे और क्या करते, कुछ ना कुछ तो काम करना था, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे ज़्यादा दूर, वाहन से आना जाना तो सब्जी का बंद ही था, बस यहाँ से मंडी से सब्जी ला के बेचते थे गाँव में। और जैसा कि दिल्ली और यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है, ऐसे में आपके रोजगार पर नाइट कर्फ्यू का क्या असर पड़ा है? नाइट कर्फ्यू का क्या असर पड़ेगा, नाइट में हमारी शॉप बंद रहती है। नाइट में कितने बजे आपकी शॉप बंद होती है? ये शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो 10 बजे तक का टाइम दिया गया है ना, फिर आपके नाइट में 10 बजे तक का है ना, पर हमारा तो शाम का 6 बजे तक का है ना, इवनिंग का, तो इवनिंग में ही बंद हो जाती है। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ नहीं, उनसे क्या अपील करना है, जो चल रहा है चलने दो, वो भी कमा खा रहे हैं, हम भी कमा खा रहे हैं, अब उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो वो तो खवाने देंगे नहीं हमें। तो जैसा कि आपने देखा कि महामारी का असर ऐसे लोगों की जेब पर सीधे पड़ रहा है जिनकी रोजी रोटी एक दिन के कमाई पर आधारित होती है, ऐसे में ये लोग कोरोना के ही चलते इनका जो भी रोजगार है उस पर सीधा असर पड़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।